रही है, जो रिसर्च की जर्नी रही है, आपने उसको साझा किया है, वो बहुत अच्छा। शमशाद अंसारी साहब से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, शमशाद अंसारी साहब, डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर दिव्या मिश्रा, ये सब जो कमीशन से हुआ उसने ज्वाइन किया, बहुत अच्छी भूमिका ऑर्गेनाइज करने सब कुछ की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियरिंग कुमार घोष साहब असोसिएट प्रोफेसर साइंस के, और ये इनके आने से भी हम लोग को बहुत बल मिलता है विभाग को आगे ले जाने, आप रहे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यादव जी अमीर जी नहीं है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये प्रोफेसर अब ये ऐसा है सर कि मगध विश्वविद्यालय में सबका प्यारा, और ये कि जो जो चीज़ पॉजिटिव निकले ये मगध यूनिवर्सिटी, निगेटिविटी नहीं सर। ये जब पूछूँ आपसे कि ये इसमें कितना पानी है, खाली है क्या, भरा हुआ है, मैं ये पंकज है, ये भरा हुआ है सर, ये पूरा 90% खाली है, पंकज को ये 90% खाली नज़र नहीं आता है, पंकज को ये भरा नज़र आता है। और ये तलाश में इसी भी रहते हैं कि कहाँ क्या गुण है विश्वविद्यालय में किसी विभाग में, और वो वहाँ पहुँच करके हमारी बातों को मगध विश्वविद्यालय को और पंकज मंदना यह कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाए जा रहे विकसित भारत 2047 व्याख्यान श्रृंखला के तहत प्रथम विशिष्ट व्याख्यान जिसका शीर्षक भारत में जनजातीय प्रशासन है नाम से आयोजित किया गया है, और इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, तथा कार्यक्रम के संरक्षक माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर शाही सर तथा सह संरक्षक माननीय प्रतिकुलपति महोदय का उनके अनुपस्थिति में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, तथा कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर लालमणि प्रसाद सर पूर्व विभागाध्यक्ष रांची विश्वविद्यालय रांची सर का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, तथा कार्यक्रम की कन्वीनर डॉक्टर निर्मला कुमारी विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, तथा कार्यक्रम के को कन्वीनर प्रोफेसर मोहम्मद इंतशाम खान प्रोफेसर इंचार्ज लोक प्रशासन विभाग मगध विश्वविद्यालय का भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, तथा कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर अंजनी कुमार घोष एसोसिएट प्रोफेसर का भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, तथा इसी क्रम में मैं यहाँ पे उपस्थित आदरणीय शिक्षक डॉक्टर उमेश कुमार सर और अभी जो कार्यक्रम में अनुपस्थित है डॉक्टर दिव्या मैम, डॉक्टर शमशाद अंसारी सर, सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते समय पारंपरिक जो हमारे मूल्य हैं उसका निर्वहन करते हुए मैं मंचासीन सदस्यों से आग्रह करूंगी सामान्य जनों से कि कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुभारंभ करें, कृपया मंच पे। अब मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए विभागाध्यक्ष डॉक्टर निर्मला कुमारी मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि मैम आए और वाचिक स्वागत करें। प्रोफेसर लालमणि सर, हमारे लोक प्रशासन एवं राजनीति विज्ञान विभाग के अंजनी कुमार सर, लोक प्रशासन के एहतशाम सर और हमारे विभाग के दिव्या मिश्रा, प्रियंका जी, हमारे सभी छात्रों, आज हमारे बीच रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लालमणि सर उपस्थित हुए हैं और उनका हम लोग सब मिलकर स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। सर, हमारे बीच हमारे राजनीति विज्ञान विभाग के सर उमेश सर आए हुए हैं, उनका भी मैं यहाँ स्वागत करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। सर, आज आप लोगों के बीच आदिवासी जनजाति बारे में प्रकाश डालना चाहेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आदिवासी जो है वो भारत के मूल निवासी हैं, भारत है, भारत में आदिवासी जो है पूर्व से ही रहते आए हैं
परंतु आदिवासियों की जो पहचान है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, वह बहुत ही दयनीय है। प्रारंभ से ही जब ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में आधिपत्य था, उस समय से ही आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया। स्वतंत्रता के समय भी भारत के जो संविधान वेता थे, संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने उनसे बहुत ये उनके उनको अपने हित में रखकर और उनको यह आश्वासन दिया कि आप लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की ये किसी भी प्रकार का आप लोगों को कष्ट नहीं होगा और आप लोगों को आर्थिक और सांस्कृतिक जो स्थिति है उसका उत्थान किया जाएगा। परंतु भारत के संविधान में ये जोड़ा भी गया, भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 4, 5 और 6 में आदिवासियों के अधिकार और उनकी स्थिति के बारे में उल्लेख है, उनके क्या उनकी क्या स्थिति है इसका उल्लेख है। परंतु इसके बाद भी भारत में जो आदिवासियों की जो स्थिति है अभी भी दयनीय है। जैसा कि हम लोग जो है आज इस भारत के विकसित समाज के लिए, भारत को विकासशील देश बनाने में 2047 का जो हम लोगों का सपना है और हमारी सरकार की जो ये सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, उसमें हम लोग आदिवासी समाज को नहीं भुला सकते हैं और आदिवासी समाज के उत्थान के बिना भारत विकास की श्रेणी में नहीं आ सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं प्रकाश डालना चाहूँगी, क्योंकि हम लोगों के बीच सर जो आए हैं, लालमणि सर जो आए हैं, वह आदिवासी समाज के संदर्भ में उनके आरक्षण के लिए जो अभी मुद्दा उठ रहा है उसके संबंध में आप लोगों के बीच में प्रकाश डालेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ सर कृपया संक्षिप्त आपके बारे में बच्चों को बता दें। बच्चों को थैंक यू। डिफरेंट ये मैं कॉन्टेक्स्ट में बता दूं, जब मुझे बताना चाहिए, मेरा नाम लालमणि प्रसाद है। राजनीति विज्ञान विभाग में मैं ज्वाइन किया था 1970 में, उस समय तुम लोग कोई पैदा नहीं हो रहे होंगे, यहाँ भी बैठे हुए हैं उसमें भी कुछ लोग पैदा नहीं। तो पॉलिटिकल साइंस रहा, रिसर्च करने का जब समय आया, मैं गरीब आदमी था तो बिना छुट्टी लिए काम नहीं। मैं गरीब आदमी था, इतना गरीब आदमी था कि जहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हुआ वो मेरा बड़ी कॉलेज, हाँ, और हालांकि मैं पढ़ा स्कॉलरशिप से, बीए ऑनर्स में मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट था यूनिवर्सिटी का। उस जमाने में 66 to 68 100 रुपीज स्कॉलरशिप मिलता था जिसे मैं पढ़ा, अदरवाइज नहीं मिलता तो मैं नहीं पढ़ा होता, मैं नहीं पढ़ा होता। लेकिन मुझे पढ़ना था, इसलिए पढ़ना था कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर था और मैं जानता था कि मैं कहीं या तो मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं या मैं प्रोफेसर बनूं, नहीं तो मैं कलेक्ट नहीं बन सकता। समस्या मेरे साथ ये थी और मैंने रात दिन एक करके फर्स्ट क्लास लाया, इसको लिया, पढ़ा। और जब फील्ड में आया नौकरी के लिए तो बहुत जगह जो सुनते हो ना तुम लोग कि वहाँ हो गया और टेलीफोन आ गया, वो सारी बातें मैंने देखी, हो गया और टेलीफोन आ गया उसका नहीं सर पहले। और जब मारवाड़ी कॉलेज का इंटरव्यू आया तो मेरे पिताजी बहुत सख्त थे, बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है इसको भेज, हालांकि मैं काम करता था, मैं 100 रुपया मिलता था उनको, पैसा नहीं है जीतने को। बाय दैट टाइम मैं लॉ पास कर चुका था कि गिरिडीह मेरा घर है, कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा, मुझे यहाँ जाए। और बहुत मैंने मेरे पिताजी डिक्टेटर थे, जो बोल दिए तो बोले। अब हमको चक्कर था, हम मैं प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था क्योंकि तुरंत उसमें कमाई होती नहीं, हालांकि अब अफसोस होता है कि गया तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर एनीवे, तो उसमें वो मेरा इंटरव्यू था 10 अगस्त और एक विमेंस कॉलेज ट्यूटोरियल था जिसमें मैं पढ़ाता था, तो उसमें 2 महीने का वेतन 100-100 करके मुझे मिल गया और उसी पैसे से मैं इंटरव्यू में गया। और मगध यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल जो विश्वनाथ प्रसाद थे,
वो इत्तेफाक से वो मारवाड़ी हैं, हाँ उसमें वो सीएम कॉलेज थे, सीएम कॉलेज दरभंगा में, वो मारवाड़ी थे और वो मारवाड़ी कॉलेज था, वहाँ पर वो दो कैंडिडेट को रखवा चुके थे और तीसरा कैंडिडेट शर्मा को लेके आए थे, हाँ कार पे आए, उसको लेके आए, टाइगर बन के आए, क्या इंटरव्यू होने लगा तो होने लगा और जबरदस्त इंटरव्यू हुआ भाई। अच्छा हम कहा नहीं, हम 10 इंटरव्यू फेस कर चुके थे पहले, 9 फिर 10वां था, तो मेरा क्या था भाई, कहा नहीं मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे नौकरी चाहिए थी, तो मैं जब से आता था इंटरव्यू दे करके, जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन है मैं घबराता था, सब किताब खोल के पढ़ता था, तैयार होता था, अब कहीं पूछा जाएगा तैयार होंगे। और उसके बाद ऐसा किस्मत हुआ कि जहाँ जो गड़बड़ हुआ या हुआ नहीं हुआ, अच्छा उस कॉलेज का हेड जो था उसका भी भाई वहाँ बैठा हुआ था सर, एनीवे तो इंटरव्यू होने लगा, हो गया इंटरव्यू दिया, आधा घंटे इंटरव्यू मेरा हो गया, तो जो बोर्ड में होता है इसको नहीं इसको नहीं इसको नहीं, तो बोले तब बुधिया जी बोले विश्वनाथ प्रसाद को, जो यहाँ गया प्रिंसिपल थे, गया कॉलेज के बाद ये विश्वनाथ बाबू आप ही बताइए ना, तो पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने कह दिया कि लालमणि प्रसाद, तो इस तरह से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ जी बताते हैं। अब जब पीएचडी करने का हुआ तो मुझे छुट्टी चाहिए थी, बढ़िया कोई भी काम में क्वालिटी वाला काम करना चाहता हूँ, और छुट्टी मतलब आधा में आधा पेपर छुट्टी और समस्या नहीं था, तो मुझे उस समय डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से उसमें फेलोशिप था, एडवांस एजुकेशन सेंटर को फेलोशिप मिलता था, और एक हमारे गुरुदेव थे, बोले जी कहाँ, बोले पटना में हम जा रहे थे, वहाँ एचएन प्रसाद थे जिनको हिस्ट्री में मिला था, तो हम चलो हिस्ट्री में काम कर लेंगे टेबल पर, बोले कहाँ जाओगे, ये विद्यार्थी साहब हैं इसका काम कर लो, बोले सर हमने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा एंथ्रोपोलॉजी, बोले क्या लगता है इसमें तुम वर्क कर लो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन पर, ये ट्राइबल भी हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अच्छा काम हो जाएगा, हमने कहा चलो घुस गए, और पहले तो हम कुछ बुझे भी नहीं करे, कहाँ एंथ्रोपोलॉजी कभी नहीं पढ़े, ट्राइबल को जानना आसान नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं ट्राइबल पर बोल रहा हूँ तो ट्राइबल को पढ़ के आप उन पर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, एक सेक्शन है जिसको आप कैसे नहीं जानिएगा, और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में इंडिया एकमात्र कंट्री है जिसने कि ट्राइबल के विकास के लिए जितना किया वर्ल्ड में उतना किसी ने नहीं किया, किसी कंट्री ने नहीं किया, क्यों, अमेरिका में जो ट्राइबल है वो रेड इंडियंस कहे जाते हैं और दे आर एट द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन, मैंने विनाश हो रहा है उनका, और उसको शोपीस बना के रखा है मेरे, हाँ एक ही कंट्री था उस जमाने में सोवियत यूनियन, अब का आज का रूस नहीं, जिसने कि ट्राइबल के विकास के लिए काम किया, लेकिन ट्राइबल के विकास में क्या हुआ, ट्राइबल को विकास में देखो ट्राइबल में है चीफटेंशिप, चीफटेंशिप ने चीफ जो कह दिया वो कह दिया, तो नहीं हुआ फिल्म कबीला उबीला चीफ कह दिया, वो ट्राइबल सिस्टम में चीफटेंशिप है, हाँ तो जो कह दिया वो कह दिया, बोला इसीलिए सोवियत यूनियन ने क्या किया, जो बात हो रही इसका विकास का कई फॉर्मूले हैं, एक है आइसोलेशन, दूसरा है एसिमिलेशन, और तीसरा है डेवलपमेंट ऑन जीनियस, क्या किया उस जमाने में कि ये A tribe will have to marry a non-tribe and a non-tribe will have to marry a tribe. बात समझ रहे हो? नहीं बात समझ रहे? माने एक ट्राइबल लड़का को एक non-tribal लड़की से शादी करने पड़ेगी और एक non-tribal गर्ल को ट्राइबल लड़का से शादी करनी पड़ेगी। माने ऐसा एसिमिलेशन हो गया कि ट्राइबल का अस्तित्व खत्म कर दिया सोवियत यूनियन ने। तो वर्ल्ड में दो मॉडल है, अमेरिकन मॉडल एंड सोवियत मॉडल। तीसरा मॉडल है अमेरिकन मॉडल, जो कि ट्राइब को विकास किया थ्रू इट्स ओन जीनियस, पंचशील थ्योरी है जो कि नेहरू ने दिया, जिसमें कि उन्हीं के जीनियस के द्वारा उनका विकास करेंगे, उनका कल्चर का विनाश नहीं करेंगे, उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए रखेंगे, यहाँ रखेंगे। अब डेवलपमेंट का जो थ्योरी है, यहाँ बैठे हुए हैं सारे इकोनॉमिक्स के, डेवलपमेंट जो है समाज में कम्युनिटी में डेवलप करना बहुत आसान नहीं है, बिकॉज ये जो कम्युनिटी में डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट इज वेरी स्लो चलता है,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बढ़ गया, तुरंत बढ़ गया, लेकिन ये सोशल डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है, बहुत टाइम लेता है। तो ये आदिवासी का यह प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं सिंह ठीक ऐसी बता दूं कि आज आप गर्व से कह सकते हैं कि जनजातियों का विकास वर्ल्ड में इंडिया में जितना हुआ वर्ल्ड में उतना कहीं नहीं हुआ। आज हमारे यहाँ प्रेसिडेंट आदिवासी हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर आदिवासी हैं, और आदिवासी आईएएस है, आईएएस है, क्या नहीं है, सब कुछ है। जो और ब्रिटिश जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी में और ब्रिटिश जमाने में भी वो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण दिया था 8% नॉट फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। उसका कहना था कि शेड्यूल ट्राइब का वो डेवलपमेंट ही नहीं है कि इनको आरक्षण दिया जाए और इनको गवर्नमेंट सर्विस में लाया जाए। अब यहाँ तक आई, अब नाउ इंडिया में ट्राइबल का सिचुएशन क्या हुआ? हुआ ये सबसे ज्यादा ट्राइबल इतनी सिटी जो है वो छोटा नागपुर झारखंड में है उस जमाने से। तब हुआ क्या, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप करने करते बढ़ते 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 पंजाब का दीवानी मिला इसको और सब तरह से एक्सपाइट करते 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 घुसा उस सिंघभूम में। सिंघभूम क्या है, चायवासा। अच्छा, अब ट्राइबल देखो एक चीज जान लो, तो ट्राइबल एक नहीं है, जैसा हिंदू एक नहीं है, एक चीज जान लो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते समझो, मुसलमान भी एक नहीं है और क्रिश्चियन भी एक नहीं है और ट्राइबल भी एक नहीं है। चूंकि मैं जब शुरुआत में वोटिंग बिहेवियर पर काम करने गया, काम स्टार्ट किया, तो एक मुसलमान के पास गया, उसका न्यू डैन होटल था। हम बोले सर मुस्लिम वोट किधर जा रहा है, मुस्लिम व्हाट डू मीन द मुस्लिम, मुस्लिम क्या होता है, अरे मुस्लिम ये कसाई भी है मुस्लिम है, कलाल भी है मुस्लिम, अंसारी भी है मुस्लिम, और उसका हाई कास्ट जो है खान और पठान शेख, खान के बाद ऊपर क्या है जी, शेख शेख सही है, सही है, अरे सर जानो जानो, जब सब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो सबका सबका ये ग्रिप में जाओ। और जाते जाते यहाँ ब्राह्मण लोग भी बैठे हैं, उनके भी पालन कितने तरह के ब्राह्मण हैं, क्योंकि पाकिस्तान से चला पूछा ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण है तो कन्हैया ब्राह्मण है, तो कन्हैया ब्राह्मण में क्या है, बोले हाय अल्लाह आप क्या बोले। तो यहाँ पर इंडिया में ऐसा है रिबेलियन, सबसे बड़ा रिबेलियन कहाँ हुआ, इतवा जिन कोलान रिबेलियन चायबासा हो रिबेलियन, हाँ हो रिबेलियन पर जो है हो कौन होता है, हो ट्राइब जो है वो है चायबासा में। और इस पर सबसे अच्छा बहुत अच्छा काम लिखा जेसी झा, हिस्ट्री प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री पटना यूनिवर्सिटी में थे, लंदन के म्यूजियम से इन्होंने काम किया और एक किताब का उन्होंने यूज नहीं किया, खाली आर्काइव से काम किया, वंडरफुल किताब दी रिबेलियन ऑफ छोटा नागपुर। तो वहां पर क्या हुआ, जबरदस्त 10,000 लोगों को मार डाला गया। तब ब्रिटिश को लगा कि भाई ऐसा हुआ क्यों, आखिर सब जगह तो लोग रिबेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ इतना रिबेल क्यों कर गया, इसलिए रिबेल कर गया। हेमंत रफ ब्रिटेन का एंथ्रोपोलॉजी का हेड था, उसने लिखा कि ट्राइबल डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट प्रोटेस्ट कर, ट्राइबल कोई भी चीज में वो तो प्रोटेस्ट करेगा, आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, प्रोटेस्ट किया और जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। तब यहाँ पर आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि नहीं, अब ये नहीं, अगर ये लोग रिबेल करते रहेंगे तो यहाँ का मिनरल्स को हम एक्सप्लाइट नहीं कर सकेंगे। और यहीं पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को दो भागों में बांटा, रेगुलेटिंग एरिया, अब तरह से यहाँ से जगह कीजिए, अदरवाइज लड़के छूट क्या है, और दूसरा हुआ पहला डिपार्चर जो हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का, यही हुआ, ये क्या मतलब रिबेलियन हुआ ना, तो ब्रिटिश ने पास किया, ब्रिटिश रमन ने पास किया रेगुलेशन कटी,
हाँ, इसके द्वारा क्या किया, पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को दो भागों में बांटा, रेगुलेटिंग एरिया एंड नॉन रेगुलेटिंग एरिया। रेगुलेटिंग एरिया हुआ जहाँ प्लेन लोग रहा करते थे, और नॉन रेगुलेटिंग हुआ जहाँ ट्राइबल लोग रहा करते थे, हिल एरिया, बात हिल एरिया, बात समझ रहे। अच्छा, क्यों किया गया नॉन रेगुलेटिंग एरिया में, अब यहाँ आ जाएगी ट्राइबल, उसको लगा कि ये ट्राइबल लोग बिगड़ते क्यों हैं, ये बिगड़ते हैं कि इनका जमीन छीन लिया जाता है, इनकी औरतों के साथ मिसबिहेव किया जाता है, इनका कस्टम को नहीं माना जाता है। बोला भाई तुम सब कुछ मान लो इसका, इसका कस्टम को मान लो। कस्टम क्या था उसका, वहाँ मानकी मुंडा था, मानकी मुंडा मानकर गांव का चीफ हुआ मुंडा नाम सुनते हैं ना, मुंडा चीफ, मांझी जो सुनते हैं ना, मांझी मीन्स चीफ। तो कस्टमरी लॉ सब, उसके बाद कई मुंडाओं का हेड हुआ मानकी, और मानकी का एलिजेंस एलिजेंस था महाराजा के, तो इसको मानना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि यहाँ पर अब इसमें आईसीएस रहेगा। आईसीएस क्या था भाई बताओ, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, हाँ इंडियन सिविल सर्विस। तो उसके बाद और क्या सर्विस, दूसरा सर्विस था इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन मिलिट्री सर्विस, दो ही सर्विसेज हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विस एंड इंडियन मिलिट्री सर्विस। तो आईसीएस का लोग जो है कलेक्टर हुआ करेगा रेगुलेटिंग एरिया में, और इस नॉन रेगुलेटिंग एरिया में आर्मी आर्मी अफसर आएगा। माफ कीजिए, बहुत बड़ा डिपार्चर, आर्मी अफसर आएगा, आर्मी अफसर। अच्छा, आर्मी अफसर को बहुत बड़ा पावर दे दिए गए। क्या क्या पावर दे दिए गए, उसको दे दिया गया लेजिस्लेटिव पावर, मतलब जो वहां पर उन लोग का रूल था, कस्टम था, जमीन का जो था, उसको मान लीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए एंड एक्सेप्ट कीजिए, और जज को वहाँ दिए, वकील को वहाँ वहाँ मत घुसने दीजिए, इसको सारा काम किया। एंड जुडिशियल पावर, सारा पावर दे दिया गया इस कैप्टन को, ही वॉज कैप्टन, कैप्टन। पहला कैप्टन कौन था, विल्किंसन, विल्किंसन, ये नाम है विल्किंसन रूल, विल्किंसन रूल, इसका 32 रूल बनाया था, 32 रूल बनाया था उसने, हाँ भाई काफी नाम है। अच्छा, अब यहाँ आया, अच्छा अब क्यों आर्मी को दिया गया, कि इतना तो आपका सब मान लिए, अब उसके बाद डिबेट कीजिएगा, बुचर कर दो, गोली से, बुलेट बुलेट से खत्म कर दो, ताकि अब हमको यहाँ हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं डिबेलियन, यहाँ से हमको मिनरल्स बॉक्साइट जितना है सब लेना है झारखंड से, और झारखंड जो है, झारखंड इंडिया का 33% मिनरल्स प्रोड्यूस करता है, अब उसको लेना चाहिए ब्रिटिश इंडिया को लेना चाहिए। अब आगे बढ़े, 1855 में चाईवासा का रिबेलियन, ये संथाल परगना का हो गया रिबेलियन 1855, हाँ उसको भी डिक्लेयर कर दिया नॉन रेगुलेटिंग एरिया, और शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट पास हुआ। अब माफ कीजिए, अब जो मैडम बोल रही थी ना, किया गया अब शेड्यूल्ड आया, शेड्यूल्ड किया गया ट्राइबल एरिया को, शेड्यूल में रखा गया, शेड्यूल माने क्या होता है, शेड्यूल्ड एरिया, और 1858 शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट पास, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट, मान अब जहां कहीं भी ट्राइबल ट्राइबल रहेगा, बहुमत में रहेगा, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट पास कर देंगे, वहां ले आएगा। अब यहां तक आइए, अब देखिए क्या हुआ कि ब्रिटिश लोग यहां घुस चुका था, उसको उसको प्रार्थना प्रेयर करने के लिए चर्च चाहिए था,
पैर करने के लिए उसको फादर चाहिए था, इसलिए वो मिशनरीज को लाया। 1831 में आसाम में पहला बार आया मिशनरीज, 1841 में झारखंड में आया मिशनरीज। हाँ, और ये लोग ये पहली बार घुसे कहाँ, आसाम, और आसाम में घुसा इसलिए वो एरिया पूरा क्रिश्चियन एरिया हो गया। अब जाके अब देखिए, अब जो यहाँ बात आ गई, यहाँ बात कहाँ आ गई, 1935। लेकिन मैं लंदन जा रहा था, उस जमाने में लेक्चरर फॉरेन विदेश नहीं जाता था और खाली हेड जाते थे। 1982 में मैं लंदन जा रहा था ब्राजील में प्रेजेंट करने के लिए ट्राइबल वोटिंग डे में किताब, मेरे बगल में आर्य दिल्ली थे जो हेड थे उस जमाने में, बहुत बड़ी शक्ति थी, एक और थे, जी देखो तुम तो ज्वाइन कर लिए हो एंथ्रोपोलॉजी, तुमको यहाँ से कुछ नहीं पर तुम यहाँ लीडर बनोगे नहीं प्रोफेसर बनोगे, सर देखेंगे सर। खैर एनी हुआ, उत्वा क्या हुआ, हम कह रहे थे यहाँ हुआ, और ये सारा अब यहाँ 1831 में घुस गया आसाम में। अब एक चीज जान लीजिए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी फैला है झारखंड में, एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ क्रिश्चियन मिशंस, सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी फैला झारखंड में, एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द क्रिश्चियन मिशन। मैंने बहुत कुछ पढ़ा, मैं विकास से कर रहा हूँ, और इसलिए झारखंड का एडवांटेज क्या है, यहाँ दो तरह के माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम के साथ क्रिश्चियन, और वोटिंग बिहेवियर में मैं इनका जबरदस्त कंट्रोल होता है। और अब जो बात हुआ एक्ट ऑफ 1919 का बात मैं कर रहा था, अब ट्राइबल ने आज सुनते होंगे कि ट्राइबल्स ब्रिटिश ने आइसोलेट किया, ट्राइबल्स को आइसोलेट किया मैंने फ्रीडम मूवमेंट का उसमें कीड़ा नहीं आया, तो इसलिए वो इसको कहा एरिया ऑफ एक्सक्लूडेड एरिया, आसाम हो गया उसका एक्सक्लूडेड एरिया, और इतना हुआ एरिया ऑफ मॉडिफाइड एरिया एक्सक्लूडेड, मॉडिफाइड माने तो थोड़ा कम, देखो ये यहां पर तुम जाओगे ना नागालैंड, अब ये हुआ आगे जाके हुआ ये सिक्स शेड्यूल, यहाँ का दूसरा सोशल स्ट्रक्चर है, यहाँ बहुत जगह है मैट्रियार्कल फैमिली, मैट्रियार्कल फैमिली मीन्स जहाँ एक औरत के कई पति होते हैं, खासी ट्राइब गढ़वाल एरिया में है, वहाँ बड़ा भाई ही शादी कर सकता है और उसकी पत्नी ही सभी भाइयों की पत्नी हो जाती है। खैर ये क्यों है उसका बात दूसरा है, छोड़ इसमें इसका भी लंबी कहानी है, उसमें हमको जाना नहीं है, मतलब कह रहे कि सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और ये जो एरिया है मॉडिफाइड एक्सक्लूजन, ये हुआ कौन हुआ, ये हुआ आंध्र बिहार, जो अब तो झारखंड भी हो गया, बिहार राजस्थान हाँ मध्य प्रदेश, ये जहां पर कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दोनों मिक्स, करेक्ट हाँ ठीक है। अब आया तो इसको ये 1999 और 1935 में कहा एक्सक्लूडेड एरिया एंड ए मॉडिफाइड की जगह में कर दिया पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया और गवर्नर रखा। उसी तरह का सिस्टम ब्रिटिश ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी है, आज भी है, सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल जो ये एरिया हुआ, मतलब कि वहां ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दोनों मिक्स, लेकिन ट्राइबल का एक्सप्लाइटेशन नहीं हो इसके लिए गवर्नर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया। हाँ बताते हैं क्यों दिया गया, और
ट्राइबल का प्रोटेक्शन जो है वो गवर्नर प्रेसिडेंट के हाथ में दिया गया। मतलब यहाँ जो प्रेसिडेंट है, यहाँ जो गवर्नर है, हर साल रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ का शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा चल रहा है, नंबर वन। दूसरा, यहाँ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल रखा गया है जिसमें कम से कम 20 सदस्य होंगे और जिसका 2/3 आदिवासी होगा। तो यहाँ इसमें फर्क है कि ये शेड्यूल्ड एरिया, जहां फिफ्थ शेड्यूल्ड एरिया है, वहां ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है। हाँ, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि शेड्यूल्ड एरिया नहीं है उसके बाद भी अगर ट्राइब है तो वहां ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल हो सकता है। जैसे वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल शेड्यूल्ड एरिया नहीं है लेकिन वहां ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है। तो कहीं कहीं इसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होता है और साल में इसका 2 बार मीटिंग होती है, ठीक है। और तीसरा होता है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन दिया गया। हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राइबल को इस लायक नहीं समझा था कि उनको गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। शेड्यूल कास्ट को दिया उसने लेकिन शेड्यूल ट्राइब को नहीं दिया। अब अच्छा, उसके बाद फ्लैट रेट में 1950 का जो 1950 में जो डाटा है गवर्नमेंट का, उसमें है कि 15% शेड्यूल कास्ट को और 7% शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दिया गया। और आज IAS, IFS और दुनिया जहान सारा चीज ट्राइब में है और दुनिया जहान है ट्राइब में है। अब उतना ही नहीं है, अब तो और आगे बढ़ गया। अब ट्राइब को एक फैंसी हो जाता है टू मैरी विथ नॉन ट्राइबल। जो ट्राइबल दिक्कत यहाँ पर है कि ट्राइब अगर है और आगे बढ़ गया तो वो अपना कम्युनिटी से आगे भाग जाता है और शादी करना चाहता है नॉन ट्राइबल घर से, जिससे कि अलग हो जाए। ट्राइबल एरिया में जो हॉस्टल है वहाँ के लड़के छुट्टी में भी घर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए कि उनको ये शहर का आराम नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ट्राइब मीन्स वन कम्युनिटी, ट्राइबल एक यूनिट नहीं है। अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बाद, ट्राइब एक यूनिट नहीं है, ट्राइब इज ए कम्युनिटी। हाँ, तो उसमें जो काम करना पड़ता है तो वो कम्युनिटी यहां देखेगा उसको। और लेकिन ये जो है, अब ये मॉडर्न एजुकेशन ला दिया उसमें, किसी का लड़का IAS बन गया, किसी का लड़का डिप्टी कलेक्टर बन गया, कुछ कुछ बन गया, तो अब बहुत जेलसी है। ऐसा भी देखा गया है कि जो लड़का बहुत तेज है उसको लोगों ने मर्डर कर दिया, यानी जो आगे बढ़ जाए मैंने कम्युनिटी से आगे भाग जाएगा वो। खैर एनीवे, अब हम यहां आए, ये सब सारा चीज हुआ। ये गवर्नमेंट में तो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल हम बता चुके हैं। हाँ, तो फिफ्थ शेड्यूल क्या हुआ, आर्टिकल 244, और सिक्स शेड्यूल हुआ आर्टिकल क्लाउज 2 ऑफ द 244 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारा बात मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहा हूँ। अच्छा, कोल रिबेलियन हुआ 1831-32 में, रेजोल्यूशन पास हुआ। अच्छा, अब देखिए, अरुणाचल और नागालैंड में इनर लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको जान लीजिए। अभी तुरंत आप सुन रहे होंगे, वहाँ झंझट हो रहा है चाइना जो क्लेम कर रहा है मेरा। यदि इनर लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, इनर लाइन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो कश्मीर का 370 से बढ़ के है। इनर लाइन 1832-31 ये पास हुआ। इसमें क्या है कि इंडिया का या फॉरेनर कोई आदमी कहां नहीं घुस सकता है, नागालैंड में। एंड अरुणाचल जिसको अभी चाइना क्लेम कर रहा है, ठीक है, आई एम करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। यहाँ इनर लाइन क्या हुआ कि लाइन के अंदर में लाइन है, इंडिया तो आपका एक लाइन में है, उस लाइन में एक लाइन घुस गया, कौन, इनर लाइन।
यहाँ पर कोई भी आदमी इंडियन सिटीजन जाएगा या फॉरेनर जाएगा तो उसको वहाँ के डीसी से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम यहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। अगर डीसी एक्सेप्ट कन्विंस हुआ कि आप ठीक काम से जा रहे हैं तो ठीक है रहिए, और नहीं तो वहाँ पर लोग खूब ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, आप उनका ऑर्नामेंट्स खरीद के यहाँ बेचिएगा तो हो गया करने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब इसका हिस्ट्री हम जब देखते हैं कि ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्ट्री क्या हुआ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़िए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में बड़ी अच्छी बात है कि चंद्रगुप्त, ये कौटिल्य जब नंद वंश से छिपा था तो ये ट्राइबल के बीच में छिपा था और कुछ तांत्रिकों के बीच में भी छिपा था। इसीलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखिए कि उसने किंग को एडवाइस किया है कि आप अंत महामात्य रखिए। देयर वाज वन मिनिस्टर नेम्ड एट अंत महामात्य। अंत महामात्य क्या होता है? अंत माने क्या होती है? अंत माने लास्ट, महामात्य मतलब मंत्री, महामंत्री। तो आदिवासी के कल्याण करने के लिए अंत महामात्य अपॉइंट करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने कहा था। तो पहला वेलफेयर प्रोग्राम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। अर्थशास्त्र पढ़िए, अर्थशास्त्र के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, उसने कहा कि कोई भी काम पॉलिटिक्स करने से कुछ नहीं होता है, बिना पैसा बिना रोकड़ा का कुछ नहीं होता है, रोकड़ा नहीं दीजिएगा तो बीबी छोड़ के भाग जाएगी। बहुत लोग एक्सपीरियंस होगा। तो पैसा एवरीथिंग, और जिस कंट्री के पैसा होगा वो स्ट्रांग होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आज चाइना इसलिए स्ट्रांग है कि हमारे पास उसका 5 times उसके पास मनी है, हमारे पास अभी नहीं है, हमको तुरंत ही इसको मुकाबला नहीं कर सकते, करने में हमको 15 साल है, क्योंकि वो डेवलपमेंट जो है वो स्लो प्रोसेस है, एक मिनट से आप कैच नहीं कर सकते। तो यहाँ उसके बाद दिक्कत क्या है कि उसके बाद जो पीरियड आया, मुस्लिम पीरियड आया, जिस डेट पीरियड आया उसमें ट्राइबल के विकास के लिए कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। थोड़ा बहुत जहांगीर के समय में आया, जहांगीर थोड़ा नागपुर में घुस, बाद में उसका फेमस हो गया एज डायमंड किंग। झारखंड के कौटिल्य ने 6 जगह लिखा है जहाँ पर कि हीरा मिलता है, 1 जगह उसका झारखंड की, जहाँ कोयला मिलेगा वहीं ना हीरा मिलेगा जी, याद करो, जहाँ कोयला है वहाँ हीरा है, ठीक है, कंट्रास्ट है, जहाँ काला है वहाँ गोरा है, जहाँ गोरा है वहाँ काला है, स्थिति ये है, तो वहाँ मिला। तो वो डैट मैन वाज यहाँ का किंग था, डायमंड किंग। अब वो डायमंड को लेकर के औरतों के बीच में, अपने रानियों के बीच में घुसा हुआ था, जब इसकी सेना आई जहांगीर की सेना, तो उसको पकड़ के ले गया राजा को। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कहाँ मिलेगा? देखो आप लोग सब, जो मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पढ़िए। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर क्या होता है? जैसे गया डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, तो गया का बिगनिंग में जो क्या हिस्ट्री है, यहाँ विष्णुपद और दोनपद जो सारा कहानी, वो डिस्ट्रिक्ट जो पहले जो करेक्टर आया जी, उसको कहा गया कि आप इथनोलॉजिकल स्टडी कीजिए बिगनिंग, मतलब उसको देखिए बहुत कितना हम लोग खराब कहे हैं, लेकिन उसमें एडमिनिस्टर करने के लिए वो बोला कि पहले हम पीपुल को जाने, नॉट पीपुल, लैंड एंड पीपुल। तो यहाँ का हिस्ट्री क्या है, और विष्णुपद है, दुनिया जहान है, यहाँ का लोग कैसा है, बेगूसराय के बारे में लिखा कि यहाँ का न कोई पेड़ सीधा है और न कोई आदमी सीधा है। हाँ, बेगूसराय से बेगूसराय तो वो लिखा, और वहाँ तो उसमें सारा भी ये हम जो बता रहे हैं आपको, रीड का सर्वे सर्टिफिकेट के बारे में लिखा, और सब जगह का मिल जाएगा, खरीदिए थोड़ा पढ़िए, थोड़ा डिफरेंट कोर्ट फील्ड से डाटा ड्रॉप कीजिए, इसे बात आ जाएगा, खाली पोलिटिकल साइंस हवा में मत बात कीजिए। तो खैर, अच्छा, अब प्रेसिडेंट, अब जो ट्राइबल को, भाई की ट्राइबल को ठीक से करना चाहिए, विकास होना चाहिए, तो ट्राइबल के विकास के लिए
एक शेड्यूल एक कमीशन बनाया गया जिसे पहला घेबर कमीशन था कि ट्राइबल का कितना विकास हुआ नहीं हुआ पूरा काफ़ी मोटा किताब है वो रामायण महाभारत का पूरा स्टेट के बारे में लिखा हुआ वो किया है। तो ये है आगे जाके आ जाइए बहुत लंबा हम लिखना चाहते हैं तो इधर आने पर आया सब प्लान गवर्नमेंट इंडिया ने इसमें सब प्लान माडा प्रिमिटिव ट्राइब्स में लाया सब प्लान मतलब जहां 10,000 आदिवासी एक जगह में दिख अच्छा अब देखिए आदिवासी में और शेड्यूल कास्ट में क्या फर्क है दे आर नॉट वन दे आर डिफरेंट क्यों डिफरेंट आदिवासी जो है एक ग्रुप में रहता है शेड्यूल कास्ट डिफरेंट रहता है बिखरा बिखरा रहता है नंबर वन शेड्यूल कास्ट के साथ अछूत का स्टिग्मा है ट्राइबल के साथ अछूत का स्टिग्मा नहीं है और तो ये डिफरेंट तो उसका सारा चीज़ है तो हुआ कि 10,000 आदिवासी कम से कम रहेंगे और लोग भी रहेंगे तो उसका विकास होना चाहिए सप्लान ये करके उसका विकास माडा मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच पारसनाथ के पास है विष्णुगढ़ जहाँ कि अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके पिताजी ने मर्डर कर दिया था दो लोगों का तो वो कंसंट्रेटेड है ट्राइबल का मतलब कि ऐसे प्रिमिटिव ट्राइब जहाँ बिखरे हैं सब प्लान में क्या है ये फिफ्थ शेड्यूल में क्या है कि ट्राइबल लोग बिखरे फिक्स सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल पूरा ट्राइबल है हाँ आसाम का जो ग्रेटर आसाम है उसमें पूरा ट्राइबल हटा हुआ है उसमें अलग ट्राइबल और नॉन ट्राइबल नहीं है जहाँ पर जहाँ ट्राइबल बिखरा उसको किया गया और ये प्रिमिटिव ट्राइब्स का है जो कि बहुत नीचे हैं जिनका लिटरेसी 5% से भी नीचे है और जो लगभग स्ट्रॉन्ग स्टेज में है उनका विकास करने के लिए उनको फैमिली को पकड़े और ऐसा इंडिया में 72 आप लोग नाम सुने हमने जारवा नाम सुने जारवा का आप पूरा गया चक्कू लेकर सबको गलत काट दिया हमने गलत करके मर गए नहीं यार कहाँ जा रहा था देखा जा रहा कहने का मतलब ये है कि जो जिसमें गहराई से डूबा हुआ है तो डूबा हुआ है आप उसमें चेंज नहीं कर सकते आप उसी के आप खोजिए रास्ता खोजिए और निकालिए तो बस काफ़ी समय लंबा हो गया और बहुत सी बातें ज़्यादा हमको जाना भी है तो मैं आपका बस यहीं से अच्छा हाँ मैं बता दूँ भाई अब मैं लेक्चर फेक्चर नहीं देता हूँ बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन जब मैं आ रहा था तो मैडम ने कहा कि सर आप आ ही रहे हैं तो एक लेक्चर दे दीजिए अब बहुत कम समय था दो अब बहुत भूल भाग रहे थे हम कुछ नहीं हम कुछ नहीं कुछ तो आई एक्सेप्टेड बिकॉज आई नेवर से नो टू ए लेडी देयरफॉर आई एक्सेप्टेड मुझे लगता है मैडम कि आपके और सर के मदद से मुझे आपका शुक्रिया कह दीजिए अरे सर प्रियंका जी सभी जीतने मेरी भी आवाज़ तो दो मिनट समाप्त ही हो रहा है दो मिनट सुन लीजिए मुकेश भाई हम बोलन शुक्रिया करें तो पहले लाल भूमि बाबू का बहुत बहुत शुक्रिया वन ऑफ द फाइनेस्ट लेक्चर एवर डिलीवर्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल मंत्रमुग्ध हो करके सुन रहे थे तो ये आपके लेक्चर का ये फीडबैक है सर और हमारे टीचर्स भी और गेस्ट भी हमारे तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि आपने जो पढ़ाई की और आपने जो अध्ययन किया और आज इस उम्र रोके रखे 80 होगा सर नहीं अप्रोचिंग शानदार लेक्चर और आपको वादा करना पड़ेगा कि आखिरी नहीं होगा ये पहला सच बात है कि मैं अब भागना चाहता हूँ नहीं आना चाहता शर्मा जी ने हमको उन्होंने बहुत वाणी से ऐसा मुक्त कर दिया कि मैं आने को तैयार हूँ लेकिन आपने इतना अच्छा से सुना कि मैं हर बार आऊँगा और हर बार एक लेक्चर थैंक यू सर मेरे लिए लेक्चर की कोई कमी नहीं है मैं बताता हूँ
आईएएस आईपीएस आईएफएस डिप्टी कलेक्टर सब के बीच मैंने लेक्चर दिया। हाँ, और अगर आईएएस आईपीएस सब को मैंने स्टूडेंट के जैसा रखा, एक जरा से चू से चाय नहीं करने देंगे जब हम क्लास में। अब तुम कुछ करो नहीं हो, मेरे क्लास में रहोगे तो एकदम शांति से रहो। अब वैसे हम लोग एकदम चू चाय नहीं करता, क्योंकि ट्रेनिंग में इतना उस पर स्ट्रिक्ट रहता है आचार्य का कि कोई हिसाब नहीं। तो यहाँ तो आपकी पूरी टीचर फ्रेटर्निटी है, और जो हमारी जिंदगी की जो सबसे प्यारी चीज होती है, मेरे बच्चे हैं, बच्चे हैं, और यहाँ आप हैं, मुझे लगता है कि ये जो आपको आनंद और खुशी मिली हुई होगी वो दूसरी जगह से अलग होगी। और सर मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत होते हुए कि आपने जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारे बच्चे जब आप पढ़ोगे जो सर ने कहा, बहुत सारे अनछुए पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला, और उससे एक दो बातें मैं आपके सामने रख दूंगा कि आपको लगेगा जो ट्राइबल है इतनी पुरातन कम्युनिटी की। तो मुझे लगता है कि सर 8.689% 2011 के जनतंत्र में ट्राइबल हो जा रहे हैं, और उसमें से भी सर जो जो परसुएशन उनका है रिलीजियस परसुएशन अलग करके 2011 में वो 1 करोड़ के लोगों के 80 लाख मुझे लगता है कि यहाँ है आपके झारखंड में, मतलब वो या तो कन्वर्ट करके हैं क्रिश्चियनिटी में या हिंदू हो गए हैं या इस्लाम कबूल कर दिया। तो बाकी जो ट्राइबल है जो उनका रिलीजन ही नहीं है, जो सरनाइज्म बोलते हैं, सरना धर्म बोलते हैं, तो वैसे लोग बहुत थोड़े से रह गए हैं, लेकिन वो उनका कम से कम 8 मिलियन मुकेशी करेक्ट करेंगे मुझे लगता है कि झारखंड में अकेले, और उनको देखने से ऐसा लगता है कि उस जमाने में अंजनी बाबू उस जमाने में जो उनकी प्रचलन जिसकी बात की पर जो प्रचलन था उनके जो बिलीफ सिस्टम है जो काम है आज के जो हम लोग कहते हैं कि वो पुरातन है और प्राचीन है, जो हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं उनको फिर से रिवाइवल करें, जो हमारी वैदिक परंपरा है या फिर उससे भी पहले देखेंगे ट्राइबल्स की हैं। तो मुझे लगता है सर कि वो उनका जो रिलीजन लुप्त होता चला जा रहा है, एक ही आपके यहाँ झारखंड में बहुत तेजी से हो रहा है, इसीलिए झारखंड है तो सारा रिलीजन है मुंडा और दूसरे लोगों ने फिर से उसका रिवाइवल हो। बहुत पैसा जो बीजेपी सरकार ने इस पर अंकुश लगाया, अपराध पैसा दिया किसान मित्र तो कि उसका फिर से नहीं, तो वो तो या तो फिर हिंदू हो जाएंगे हो गए या क्रिश्चियन हो गए या इस्लाम कबूल कर लिया, उनका जो अपनी जो संस्कृति तब तक नहीं रह सकती जब तक कि साधना को एक रिलीजन का नहीं दिया जाए। हमको मालूम है आपको सर कि रामदयाल मुंडा जी से बहुत पेश पेश थे, और अभी भी मुझे लगता है 2 महीने पहले भी बड़ी मीटिंग एक रांची में हुई थी ये मांग करने के लिए, और आपका ट्राइबल के जो लेक्चर अभी रिटायर करके होंगे वो बहुत प्रोफेसर जो वो भी आगे चल रहे थे। कहना मैं कह चाहता हूँ कर्मा जी ने कर्मा उन्होंने एक और कर्मा जी भी पेश पेश, लेकिन तो आपने सबसे बड़ी बात कही सर बच्चों को लगा होगा ना कि सर ने क्या बात कह दी कि वो पत्थर का जो ऊपर से झोंपड़ी देंगे और वो पहले आएगा तब शादी हुई है ना, कितना मॉडर्न था। आप स्किल डेवलपमेंट की आज के ज़माने में बात करते हो, वहाँ क्या है कि बच्चों को जब खटिया बिनने नहीं आएगा तो शादी नहीं होगी, पहले स्किल सीखना है, फिर आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं मेल फीमेल का, इक्वालिटी बीच में लड़के लड़कियों के बीच में इक्वालिटी देखे बात तो एक समानता की भावना भी, तो ये सब ऐसे, और फिर ये कि जो औरतें मर्द भी हैं वो एक साथ काम करेंगी, वो ऐसा नहीं कि हाँ पर्दा कर रहे हैं वो उस जमाने में, जो आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है हम जब देखते हैं पुराने जमाने में ट्राइबल कल्चर में झांक करके देखते हैं तो वो चीज़ें उसमें हमको नजर आती हैं। आपने बहुत सारे अच्छे पहलुओं पर आपने फिर से इस पर रोशनी डाली सर, आपका ये बड़ा सार्थक रहा लेक्चर के हमको जानने का बहुत मौका मिला, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपको मैडम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश भाई, उमेश भाई मेरे भाई हैं, अंजलि भाई बोल रहे थे उमेश याद कैसे रहता है, तो शुक्रिया याद है मेरे बड़े भाई रामविलास बाबू जो हैं वो रामविलास बाबू के दोस्त हैं के ही हैं सर, ये गढ़वा के हैं और अब तो रांची में ही तो नहीं तो ये सर आपको इस तरह से दिक्कत है बुलाया कि लाल मुनि बाबू के घर के हैं सर, आपको और इस डिपार्टमेंट से प्रेम होगा कि आपने आपका लेक्चर सुनने के लिए लेके आए आपकी जो जर्नी रही है रिसर्च की जर्नी रही है आप लोग इसको साझा किया है वो बहुत अच्छा। शमशाद अंसारी साहब सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, शमशाद अंसारी साहब डॉक्टर प्रियंका सिंह डॉक्टर दिव्या मिश्रा ये सब जो कमीशन बीते से हुआ उसने ज्वाइन किया, बहुत अच्छी भूमिका ऑर्गेनाइज करने सब कुछ की आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि कुमार ढोल साहब एसोसिएट प्रोफेसर साइंस के, और ये इनके आने से भी हम लोग को बहुत बल मिलता है विभाग को आगे ले जाने, आप रहे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यादव जी अमीर जी नहीं
आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये प्रोजेक्ट है, ये ऐसा है सर कि मगध विश्वविद्यालय में सबका प्यारा, और ये कि जो जो चीज पॉजिटिव निकल रही है मगध यूनिवर्सिटी, निगेटिविटी नहीं सर। ये जब पूछूँ आपसे कि ये इसमें कितना पानी है, खाली है क्या, भरा हुआ है? मैं ये भरा हुआ है सर, ये पूरा 90% खाली है। पंकज को ये 90% खाली नजर नहीं आता है, पंकज को ये भरा नजर आता है। और ये तलाश में इसी भी रहते हैं कि कहाँ क्या गुण है विश्वविद्यालय में किसी विभाग में, और वो वहाँ पहुँच करके हमारी बातों को मगध विश्वविद्यालय को और कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत मेरे सारे बच्चे इतनी शांति से, तो मेरे लेक्चर में भी नहीं इतनी शांति से, बढ़िया क्वेश्चन किया लुगर में, इतनी शांति से, और आपको लगा कि बहुत प्यारा लेक्चर लगा होगा लाल मुनि बाबू का। जैसे कि ट्रैवल एरिया के लिए, एसटी के लिए जो फंड अवांछित होते हैं उनको डाइवर्सन हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसके पीछे एक कारण है कि जो धन परिवर्तन करते रहे हैं, या कोई यदि कर्नाटक में इसका जवाब सर दे दे तो ज्यादा अच्छा लगता है। सर जैसे कि एससी एसटी के लिए जो फंड आवंटित होते हैं वो डाइवर्सन हो जा रहा है, वो गारंटी पीरियड से, जैसे पार्टी फंड के लिए गारंटी के तौर पर चले जा रहे हैं, ऐसे कर्नाटक नहीं नहीं जाता है। देखो कर्नाटक का नहीं जानते, यहाँ जो ट्रैवल ट्रैवल का जो पैसा आता है उसके प्रिंसिपल ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ट्रांसफर करे सस्पेंड हो जाए प्रिंसिपल। नहीं सुनो वही बात इससे लेके बता रहे हैं, और ट्रैवल का जो आता है ना वो लैप्स नहीं होता है, नहीं होता है लैप्स, ट्रांसफर तो सवाल ही नहीं होता है। और उसका कोर्स भी इधर हम तो 1990 के बाद कोर्स भी लैप्स नहीं हुआ, खाली 3 बार हम जब वहाँ वाइस प्रिंसिपल थे मवाड़ी कॉलेज में, तो एकदम 3-4 बार खाली ट्रैवल का हो रहा है रिक्रूटमेंट रेलवे में और ये में वो में, तो ऐसा नहीं है ट्रैवल का उसे अब तो सारा चीज़ हो रहा है। और अब तो प्रोफेसर में जब सिलेक्शन होता है तो मुझे से बोलती है कि एक्सपर्ट है, शेड्यूल कास्ट है कि नहीं है, क्योंकि मुझे पटना सिटी में 3-4 बार प्रोफेसर में बैठना पड़ा, तो वहाँ के लोग हमको बोलते थे कि सर ये इंटरव्यू हुआ लेकिन अनएक्सेप्टेड हो गया, कहे हो गया किसमें शेड्यूल कास्ट का एक्सपर्ट नहीं हुआ। सुना तो हमने बताया उनको, शेड्यूल कास्ट का एक्सपर्ट किधर मिलता है, साउथ में, तो हम बताया वहाँ से बंगाल में मिलता है, बताया तो ऐसा नहीं है, ये हम उनको बताया ना, ऐसा बताया आसान वो दूसरे में नहीं जा सकता है, पैसा रखा रहे उसका पैसा लैप्स नहीं करेगा, जान लो ट्रैवल का उस ट्रैवल का पैसा का सर वो रखा रहे, हाँ वो रखा रहे। मेरा क्वेश्चन है कर्नाटक सरकार जो कर रही है वो क्या कर रही है कि साइंटिस्ट एक डेटा एक 37,000 करोड़ रुपया में से 14,000 करोड़ वो पार्टी फंड में दे रही है, ऐसा हो सकता है विराम लगाते हैं, समाप्त करते हैं, और हम लोग